हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग लेने जा रहे हैं वेजिटेरियन टेक ऑन नवरत्न कोरमा। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो स्टार ऑफ द शो जो होता है वो पनीर होता है, एंड आजकल लोग इसे एंटिसिपेट भी कर रहे होते हैं। तो इट्स अ न्यूट्रिशनल वे ऑफ सर्विंग समथिंग एल्स जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे तैयार होगी ये डिश। तो यहाँ पे मैंने एक भगोने में 2 ग्लास पानी चढ़ाया है जिसमें मैंने 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डाली है। पानी में हल्का सा उबाल आने के बाद में मैंने इसमें गोभी डाल दी है। यू कॉल इट कॉलीफ्लावर, जो भी कहते हैं। तो गोभी डालने के बाद में हम इसे ढक के हल्का सा पकने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है ये। ये मैंने ओवरनाइट सोक करके काजू और बादाम रखे हुए थे, इन्हें मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके एक फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये सब्ज़ी काफ़ी रिच बन के तैयार होती है, तो कॉमनली तो ये नहीं यूज़ हो पाएगी। इसको बनाने के लिए आप लोगों को गेस्ट को तो इन्वाइट करना ही पड़ेगा। जस्ट मेक श्योर दैट यू इन्वाइट सम ऑफ योर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे आप देखिए, गोभी में अच्छे से पानी में उबाल आ चुका है। सो अब आप इसमें बाकी की सब्जियाँ भी ऐड अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 कटोरी मटर। ये सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी सब्ज़ियाँ पड़ती हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि सब्ज़ियों की क्वान्टिटी आप कम रखें। इसमें मैंने डाली है 1/2 कटोरी गाजर। यहाँ मैंने यूज़ किए हैं 1/2 कटोरी मशरूम और 1/2 कटोरी केप्सिकम। इसमें लास्ट में थोड़ा सा पनीर भी पड़ेगा। सो जस्ट मेक श्योर कि आपको वो क्वांटिटी भी ध्यान में रखनी होगी। एंड सब्जियां पड़ने के बाद में आपका जो पानी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। सो जस्ट वेट फॉर इट टू बॉईल वंस मोर, और उसके बाद में हम अपनी सभी सब्जियों को ठंडा होने के लिए पानी साइड में रख देंगे। इन द मीन वाइल आइए हम लोग ग्रेवी की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर। टमाटरों की क्वांटिटी जो है उसे आप काफ़ी जनरस रखने वाले हैं। सो अगर आपको टमाटर नहीं भी पसंद है तो भी जस्ट ट्राई कि इस सब्ज़ी के लिए आप टमाटरों को यूज़ करें। सो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर मीडियम साइज़ के, 1 इंच का जिंजर का टुकड़ा, 12-15 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च डाल दी हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा काजू और बादाम बचा था और जो पानी बचा था वही पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और मैंने इसमें नमक डाल दिया है, तेज़पत्ता डाल दिया है, और इसके बाद में हम लोग इसे उबलने के लिए ढक के छोड़ देंगे। यहाँ पे आइए हम लोग अपनी सब्जियों को स्ट्रेन कर लेते हैं। या मैंने स्ट्रेनर की हेल्प से अपनी सब्जियों को गर्म पानी से बाहर निकाल लिया। आपको मेक श्योर करना है कि सब्जियाँ ओवर कुक ना होने पाए। इसके बाद में हम लोग वापस चलते हैं टमेटोज़ की तरफ। सो टमेटोज़ को हम लोगों को तब तक पकाना है जब तक ये मशी नहीं हो जाते, बहुत ईजी नहीं हो जाता इनको ब्लेंड करना इनटू अ प्यूरी। हमारे टमेटोज जो हैं वो बिल्कुल तैयार। तो अब आइए हम लोग चलते हैं मेन वर्क की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए एक गहरा पैन। मैंने यहाँ पे एक डीप कुकर यूज़ किया है जिसमें मैंने डाला है 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और उसमें मैंने लगभग 50 ग्राम के आसपास मक्खन डाला है। अब हम लोग इसमें सूखे मसाले डाल लेते हैं। यहाँ मैंने जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची डाली है। इन सभी मसालों को हम लोग अच्छे से एक बार क्रैकल कर लेंगे, तड़का लेंगे हम लोगों की लैंग्वेज में। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे अनियंस। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो टमेटो प्यूरी के लिए तैयारी की थी उसमें अनियंस का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं 3 मीडियम साइज़ के अनियंस जिन्हें हमने बारीक बारीक काट के यहाँ पे डाल लिया है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने क्रश किया हुआ जिंजर और गार्लिक यूज़ किया। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा टेक्स्चर जो है वो क्रश जिंजर गार्लिक का ज़्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से आई जस्ट मेक श्योर कि क्रश जिंजर गार्लिक को मैंने मोटो पीस्टल की हेल्प से उसे तैयार किया था। सो ये है कंसिस्टेंसी ऑफ अनियंस जो हमें चाहिए। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत अच्छे से कलर छोड़ दें, कलर आ जाए और तेल बहुत अच्छे से छोड़ दें जब अनियंस, तब हम इसमें डालेंगे टमेटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 टमाटरों का इस्तेमाल किया, वो भी छोटे साइज़ के थे, तो मीडियम साइज़ का 1 टमाटर विल वर्क। इसके बाद में हम लोग इसे मिक्स करेंगे और तेल छोड़ देने तक हम लोग इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे अब हम लोग डाल देते हैं थोड़े से ड्राई मसाले जिसमें मैंने डाला है हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक डाल दिया है मैंने यहाँ, नमक आप टेस्ट के अनुसार डालिए। लाल मिर्च मैंने डाली है, लाल मिर्च भी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड अप कीजिएगा यहाँ पर।
उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी इसी लेवल पे डाल देंगे, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा हम डाल देंगे यहाँ पे पेपर पाउडर। उसके बाद में हम लोग इन सभी सूखे मसालों को मिला देते हैं। सूखे मसालों को मिलाने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की आँच आप बहुत ज़्यादा तेज़ ना रखें, क्योंकि बहुत आसानी से मसाले जो हैं वो जल भी जाते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए मसालों ने बहुत अच्छी तरीके से तेल छोड़ दिया है, ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं हम लोगों का ग्रेवी पोर्शन पड़ने के लिए। तो हम लोगों ने जो वो टमाटर वाली ग्रेवी तैयार की थी ना, बॉईल कर रहे थे टमाटर लहसुन और अदरक के साथ में, उसे पीस करके मैंने वो ग्रेवी इसमें यहाँ पर डाल दिया है। अब हम लोगों को इसके पकने का इंतज़ार करना है। ये जैसे जैसे पकती जाएगी वैसे वैसे बहुत थकेगी, थकेगी मतलब कुकर से छींटे जो है वो बाहर आने शुरू होंगे। सो जस्ट बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज़ का। हमारी ग्रेवी पकी हुई थी तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को उसके साथ मेहनत नहीं करनी थी, 2 मिनट के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो गया। इसके बाद में अब हमने इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स डाल दी और साथ में हमने इसमें डाल दिया है 100 ग्राम पनीर। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 100 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया है और इसे हम थोड़ा अच्छे से चला लेंगे, इस ग्रेवी को हम मिक्स कर लेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोगों का टेस्ट किस तरीके का, अगर आपको हल्की सी रॉ सब्जियाँ पसंद है तो आप इसी स्टेज पर इसे उतार सकते हैं, और क्योंकि मुझे थोड़ा कुक्ड सब्जियाँ अच्छी लगती हैं इस वजह से मैं इसे हल्का सा पकाऊँगी। यहाँ मैंने इसमें जिंजर जूवियंस और लॉन्ग स्लिट में कटे हुए 2 ग्रीन चिलीज़ को ऐड किया है, इसे भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। अब आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इतनी फ्रेश मलाई है, मैंने दूध के भगोने से उतार करके इमीडिएटली मलाई जो है वो डायरेक्टली इसके अंदर डाल दी है, और अब हम इसको मिला लेंगे। तो आप इसमें कंडेंस्ड वाली जो पैकेट वाली मलाई होती है ना वो मत डालिए, कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास में होना स्टोव तो आप अपने दूध के ऊपर से ही उतार करके मलाई इसमें डाल दें तो ज़्यादा अच्छा फ्रेश टेस्ट आता है। इसके बाद में मैं जा रही हूँ इसमें थोड़ी देर के लिए प्रेशर लगाने, और इसके बाद में हम लोगों की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है, इसे आप नान रोटी पूड़ी कचौड़ी किसी भी चीज़ के साथ में चला करके देखिए, आप गेस्ट आपकी बहुत तारीफ करेंगे। और ये ट्रेडिशनल पनीर की रेसिपी से थोड़ा सा अलग हटके भी हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ी हैं। ऑल्सो आप इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, मुझे बीन्स का टेक्सचर नहीं पसंद है इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है ना यार, और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना चैनल को कहीं मत जाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।